श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कला में चल रही वार्षिक महोत्सव के नवे दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मंदिर में शीश नवाजने के साथ साथ कथा श्रवण भी किया। नेता प्रतिपक्ष ने आश्रम अधिष्ठाता बाल जी महाराज की सराहना करते हुए उन्हें क्षेत्र के लिए एक वरदान भी करार दिया। नेता प्रतिपक्ष ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे अनेक कार्यों का भी बखान किया। उन्होंने क्षेत्र की जनता को हरिनाम संकीर्तन से जोड़ने के लिए भी उनका आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में सुसंस्कारों का संचार करने में बालजी महाराज का नाम सर्वप्रथम आता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वह बालजी महाराज के ही आशीर्वाद से पहली बार विधायक बने थे। आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है, ऐसे में बालजी महाराज का जो भी आदेश होगा वह उसे पूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जिस भी जगह आते कोई ना कोई विकेट पाए, चाहे हम अच्छी कार्यक्रम चल रहा है, कथा चल रही है और कुछ कह रहे हैं फिर आगे इस करके मैं बहुत ही माफी कहता, व्यासपीठ से भी माफी कहता। महाराज जी का आशीर्वाद सानू हमेशा से मिल रहा है और ऐसे ऊना जिले के लोग इतने भाग्यशाली लोग है कि साढ़े तारा रब न जोड़न वास्ते थे बाबा बाल महाराज मौजूद है। महाराज के आशीर्वाद से साडा जिला अगे बढ़ रहा, विकास च, कल्याण च, गरीब की सेवा च, हर तरह से। और ये बिल्कुल सही महाराज ने कहा कि जब मैं बिल्कुल नया इतने आया था तो मैंने पट्टो कहते और उस वक्त इन्होंने कहा कि तुम जितते ही रहना हमेशा और अच्छी साल हो गए मैं लगातार एमएलए चलते हुए और फिर महाराज ने कहा कि तुम चलते ही रहना अगे। मैं इन्हों का बहुत बहुत आभारी है। जिहड़ा भी बंदा महाराज को मिलता उसको लगता कि महाराज मेरे ही है, ऐसा मैं और जाते भी लगता कि मेरे ही है। और क्योंकि महापुरुषों का होना ही इस तरह से चाहिए कि हर बंदे को लगे कि मैं मिलिया, चाहे छोटा मिलिया, बड़ा मिलिया, कोई मिलिया, उसको लगना चाहिए कि महाराज ने मैनू आशीर्वाद दिया है। और महाराज को ऐसे विश्वास लाना चाहते इसी साल हिमाचल की कांग्रेस की सरकार बननी, इसी साल हिमाचल की कांग्रेस की सरकार बननी है। जो थोड़ा हुक्म होना साढ़े वास्ते कानून होना, जो भी थोड़ा हुक्म होना साढ़े वास्ते कानून होना है। अभी पूरी लगन के नाल, तन्मयता के नाल, थोड़े आशीर्वाद के नाल हिमाचल के विकास के वास्ते और गरीब की सेवा के झंडे वास्ते काम करना है। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।